आज दिन भर मुझसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार मैंने भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन की, इसकी सदस्यता क्यों ली। काफी इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं, काफी मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, काफी मैसेजेस इंस्टाग्राम में आ रहे हैं। तो मैं इन सबको कहना चाहूंगा कि 20 साल की पत्रकारिता में मैंने ये देखा है कि किस तरह लोगों को सेवा की जरूरत है, लोगों की सेवा की जा सकती है, और अब मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं। और लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे आप सबके हम सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक नजरिया है वो बिल्कुल अलग है। देश की उन्नति के लिए है, देश की प्रगति के लिए है, हमारी एकता के लिए है। हाँ, कुछ लोग जरूर है जो इस स्टेटमेंट देते हैं यहां भी वहां भी, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी की अगर कार्यशैली देखें आप तो आपको जरा भी प्रश्न चिन्ह नहीं होगा इसमें। माननीय नरेंद्र मोदी न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे देश विदेश में भी फेमस है। आज जैसे देखने को मिला कि अबू धाबी में एक मंदिर का उद्घाटन किया गया। नरेंद्र मोदी शेख मोहम्मद बिन राशिद गले मिलते हुए नजर आए, वहां के प्रधानमंत्री वहां के प्रेसिडेंट उनके साथ गले मिलते हुए नजर आए। तो यह है एकता, यह हिंदू मुसलमान की एकता, गंगा जमुना तहजीब, और इसी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है। मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश करूंगा बीजेपी के साथ, जो नाइतफाकी उनको बताई गई है, जो अफवाहें फैलाई गई है मुसलमानों को कि बीजेपी तो एंटी मुस्लिम है, बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, मैं इन सब गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। मैं उनको बताऊंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी हों या हमारे अमित शाह जी हों, वो कभी भी मुसलमानों से नफरत नहीं करते, उनको नफरत उनसे है जो यहां खाते हैं और वहां की बजाते हैं। तो बीजेपी ज्वाइन करने का मकसद मेरा यही है कि कैसे मुसलमानों को बीजेपी की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि एक बात तो पक्की है कि पिछले 70 साल में कांग्रेस ने हमको कुछ नहीं दिया, सिर्फ माइनॉरिटी का मुसलमानों का फायदा उठाया है। ये बात तय है, हमारे बच्चों को मदरसे भेजे गए जहां पे वो अलिफ बे ते से पढ़ते थे लेकिन एबीसीडी का ज्ञान नहीं दिया गया, उनको एबीसीडी का महत्व नहीं बताया गया। अगर वो एबीसीडी पढ़े लिखे होते तो आज यूपीएससी करने के बाद आईएएस आईआरएस आईपीएस होते, ना कि कल्लू पेंटर और लल्लू मिस्त्री। कांग्रेस ने कभी हमारे को साथ में कदम से कदम मिलाने के लिए नहीं रखा, सिर्फ हमारे वोट बैंक का फायदा उठाया। मैं यही सच्चाई, मुसलमान समाज हो या हमारे सिख भाई हो या क्रिश्चियन भाई हो, हमारे माइनॉरिटी के जितने भाई हैं उन तक पहुंचाऊंगा और उन्हें बीजेपी के साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।